स्वागत है दोस्तों आपका नेटवर्क लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज अपन देखने वाले हैं टीपीलिंक राउटर को कैसे सेट करते हैं, पासवर्ड कैसे सेट करना है। सबसे पहले अपने को राउटर के बैक साइड का फोटो ले लेना है जहाँ पर वायरलेस पासवर्ड का पिन होता है। फिर अपने को अपने सेटिंग में जाना है, मोबाइल के राउटर को सर्च करना है टीपीलिंक राउटर और वो पिन अपने को यहाँ पर पुट कर देना है सिंपली और कनेक्ट कर देना है राउटर को। उसके बाद दोस्तों राउटर का अपने को आईपी एड्रेस अपने ब्राउजर में डालना है। तो सिंपली अपन चले जाएंगे अपने कोई भी ब्राउज़र में और यहाँ पर पुट करेंगे आईपी एड्रेस जो कि राउटर के बैक साइड पर दिया होता है 192.168.0.1 और कर देना है अपने को एंटर। साथ ही में दोस्तों अपने को ये सेटिंग में जाने के लिए राउटर का रिसेट बटन प्रेस करना है पहले और कर देंगे कंटिन्यू। देख सकते हैं टीपीलिंक का एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल खुल गया है। यहाँ पर अपने को पहले पासवर्ड सेट करने को बोल रहा है क्योंकि आगे जाकर जो सेटिंग करने वाले हो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। कोई भी अपना एक पासवर्ड डाल देना है और कर देना है उसको सेव। फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पर पुट किया है एडमिन एट द रेट 12345 और स्टार्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों अपन टीपीलिंक राउटर के एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल में आ जाएंगे। यहाँ पे अपने को सेटिंग करना है टाइम सेटिंग, जैसे कि इंडिया का चेन्नई दिल्ली मुंबई वाला है सेट कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों अपने को फिर करना है डायनामिक स्टैटिक PPOE सेटिंग जो कि अपने इंटरनेट प्रोवाइडर ISP करके देती है, या फिर अपन भी कर सकते हैं। फिर अपने राउटर को पर्सनलाइज कर सकते हैं, जो पासवर्ड रखना है, जो SSID रखना है। जैसे कि मैं एक फ्लैट के लिए सेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं रखूँगा फ्लैटमेट नाम से, यानी कि जो कोई भी इसको कनेक्ट होना चाहता है उसको एक फ्लैटमेट नाम के नाम से दिखेगा। पासवर्ड भी दोस्तों आप रख सकते हैं जिससे कनेक्ट होना चाहेंगे। तो मैं सिंपली अभी पुट कर देता हूँ फ्लैटमेट डायरेक्ट 1922 जो कि ऑथेंटिकेट करेगा इंटरनेट यूज़ करने के लिए। यहाँ पे बैंड है अपना 2.4 GHz का, सिंपली इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों पासवर्ड सेट हो चुका है, SSID सेट हो चुका है अपने राउटर का और भी काफ़ी तरीके के सेटिंग रहते हैं। फिर एक बार अपना राउटर और बंद हो जाएगा और रिस्टार्ट हो जाएगा वापस से, लेकिन इस बार TP-Link नाम ना आते हुए इस बार अपने को नाम दिखेगा फ्लैटमेट। सिंपली अपन इसको रिकनेक्ट कर लेंगे। रिकनेक्ट हो गया है, रिकनेक्टेड के बटन पे क्लिक कर देंगे, फ्लैटमेट नाम से रिकनेक्ट हो गया दोस्तों, देख सकते हैं आप। पहले TP-Link आता था, अभी फ्लैटमेट आया है। सिंपली अपन कर देंगे कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद अपन एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल में जाएंगे और अपन वहाँ जाके बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं राउटर के रिलेटेड। फिलहाल मैंने दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट केबल नहीं लगाई है, मैं यहाँ पे ट्रायल ले रहा हूँ। इंटरनेट केबल मैंने निकाल के रखी है, जैसे भी इंटरनेट कनेक्ट केबल लगाएंगे वैसे ही इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों दिखा रहा है कौन कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है, नेटवर्क मैप, इंटरनेट, वायरलेस सेटिंग, आप बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं। IP क्लोनिंग देख सकते हैं दोस्तों। वायरलेस सेटिंग में अपने को बैंड दिखा रहा है 2.4 GHz, SSID दिखा रहा है, पासवर्ड चेंज करने का सेटिंग दिखा रहा है। एडवांस सेटिंग में अपने को ऑप्शन, ऑपरेशन मोड, नेटवर्क मोड, वायरलेस मोड, ऐसे काफ़ी तरीके के मोड दिखा रहे हैं किस तरीके से आप राउटर को एक्ट करवाना चाहते हैं, जैसे कि एक्सेस पॉइंट या फिर किसी और तरीके से। और सब बहुत सारे सेटिंग दोस्तों यहाँ पर है, देख सकते हैं। एडवांस में इंटरनेट में डायनेमिक IP कौन सी देना है, IP 10 से चालू करना है या फिर 100 से चालू करना है उसकी सेटिंग। आप ये सेटिंग दोस्तों एक बार पासवर्ड रिसेट करने के बाद आप ये सेटिंग खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सेटिंग है क्या नहीं। देखिए दोस्तों आप बैंड सेलेक्ट कर सकते हो 20 का, 40 का, चैनल की विड्थ सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑटो भी रख सकते हैं चैनल की विड्थ। इस प्रकार से दोस्तों आप TP-Link के राउटर का पासवर्ड सेट कर सकते हैं घर पर ही और भी अन्य तरीके की सेटिंग आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूज।
और ये सेटिंग दोस्तों आप मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर लैपटॉप से भी कर सकते हैं, जहाँ पर ब्राउज़र अवेलेबल है वहाँ से। अभी दोस्तों मैं सिंपली कर देता हूँ लॉग आउट, और अगली बार मुझे कुछ चेंजेस करने रहे तो मुझे फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों, अगली बार अगर मुझे कुछ चेंजेस करने रहे, पासवर्ड चेंज करना रहा, तो मैं सिंपली री लॉग इन कर सकता हूँ। इस बार मुझे ज़्यादा ज़्यादा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है।